आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन अभी आरओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर साहब, सूरत ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के जो आरओ हैं उनसे मिलकर आया है। जिस डेलीगेशन में मैं था, हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई इटालिया थे, हमारी लीगल टीम थी, पार्टी के लोकसभा स्तर के जिला स्तर के नेता थे। हम सब ने आरओ साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे ये विनती करी है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है कि ये जो दबाव में शारीरिक और मानसिक प्रेशर बनाकर, धमकियां देकर, अपहरण करकर, किडनैपिंग करकर, डंडे और लठ की ताकत से हमारे प्रत्याशी कंचन भाई जारावाला को मजबूर किया गया कि वो अपना नामांकन वापस लें, इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराते हुए आप दरकिनार करें और उनके नामांकन को हरी झंडी दिखाएं, उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दें। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, जिस हिसाब से पुलिस के लोग भाजपा के गुंडों के साथ मिलके हमारे कैंडिडेट को धक्का देते हुए, मारते हुए, पीटते हुए उसे जबरदस्ती आरओ के दफ्तर लाते हैं, नामांकन वापस कराते हैं और फिर गुजरात पुलिस उन गुंडों की कस्टडी में फिर से हमारे प्रत्याशी को भेज देती है, यह सारी कवायद गुजरात पुलिस के कामकाज पर, उनकी इस पूरे प्रकरण में जो हिस्सेदारी रही है, जो रोल रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि गुजरात में जंगल राज आ गया है, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लगने लग गया है, इतनी बौखला गई है भाजपा कि आज हमारे प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। हमने ये बात भी कही कि कंचन जारीवाला साहब पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की सूरत की इकाई को मजबूत करने में जारीवाला साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। 2 साल तो कभी उन्होंने पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं करी। आज से 3 दिन पहले इसी बिल्डिंग में जारीवाला साहब ने आकर अपना नामांकन दर्ज कराया और कहा मैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, तब तो उन्होंने पार्टी की कोई शिकायत नहीं करी। जब नामांकन दर्ज कराकर बाहर आए, विक्ट्री का निशान दिखाया और कहा कि मैं सूरत ईस्ट की सीट जीतकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करूंगा, तब तो जारीवाला जी ने कभी भी आम आदमी पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया, पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा बीते 24 घंटे में क्या हो गया कि वो इतना मजबूर हो गए, इतने दबाव में आ गए कि उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? उनके, उनकी वाइफ पे, उनके भैया भाभी पे, उनके पूरे परिवार पे भाजपा ने इतना प्रेशर बनाया है, मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल हर प्रकार का दबाव बनाकर उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना नामांकन वापस लें। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, कांग्रेस कमजोर पार्टी होगी, कांग्रेस डर के अपने घर में जाकर कंबल में छुप जाकर बैठने वाली पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने। हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, निष्पक्ष चुनाव हो गुजरात में, ये सुनिश्चित करवाएंगे और भाजपा की गुंडागर्दी को बंद करेंगे, मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से लड़ सकते हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं और सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा हो गया है गुजरात में। ये देखकर भाजपा इतना डर गई है कि आज वो हमारे प्रत्याशियों का दिन दहाड़े अपहरण कर रही है, किडनैपिंग कर रही है। आरओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है
कि वो हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। हमने उन्हें कहा है कि आप पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देखें कि कैसे मार पिटाई करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए बीजेपी के गुंडे और गुजरात पुलिस के कुछ लोग हमारे प्रत्याशी को यहां पर लाए, रिटर्निंग ऑफिसर से ज्ञापन दिया और नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। उस पूरी सीसीटीवी फुटेज का आप एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। और भारत का कानून यह कहता है कि कोई भी कार्रवाई अगर दबाव में, धमकी से, डर के, प्रेशर में की जाए तो उस कार्रवाई को गैर कानूनी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के आधार पे इनके विड्रॉल को इलीगल घोषित करते हुए हमारे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, उनके नामांकन को हरी झंडी दिखाई जाए। आरओ साहब ने कहा है वो बहुत जल्द हमारे इस ज्ञापन पे अपना फैसला सुनाएंगे। अगर विड्रॉ नहीं किया गया, फॉर्म वापस नहीं लिया गया तो क्या एक्शन होगा आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, जैसा कि मैंने कहा, सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी, लोगों के बीच जाएगी, लड़ाई लड़ेगी। अगर न्यायपालिका का रुख अपनाना हो, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हो तो वो काम भी करेगी। लेकिन हम डर के घर में छुपकर बैठने वाली पार्टी नहीं है। हम भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे। सर, आपके कैंडिडेट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश विरोधी काम करती है, इसीलिए मैंने ये पार्टी छोड़ी है, नामांकन। मैंने आपको यही तो कहा, हमारे कैंडिडेट कंचन जारीवाला जी 2 साल से आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, अपना खून पसीना पार्टी को मजबूत करने के लिए बहा रहे थे। 2 साल उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो आज से 3 दिन पहले अपना नामांकन भरने आए इसी दफ्तर में, इसी बिल्डिंग में, उन्होंने तब पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। विक्ट्री का साइन दिखाकर कहा मैं अरविंद केजरीवाल जी की झोली में ये सूरत ईस्ट की सीट जीतकर डालूंगा, पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन बीते 24 घंटे पे उन पे इतना दबाव बनाया गया, उनके परिवार को तक नहीं छोड़ा कि उन्हें आज मजबूरी में, दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे से कंचन जारीवाला जी का फोन ऑफ है, उनके घर के बाहर ताले लग गए थे और उन्हें एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन यानी कि एक अज्ञात जगह भाजपा ने ले जाकर बंद कर दिया था। आज अगर ये सारा प्रेशर उनसे हटा दिया जाए और आप उनसे पूछिएगा सच्चाई क्या है तो वो आपको सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के वहाँ, उनके फैमिली मेंबर के पास गए थे, वो उनको कुछ नहीं हुआ। सर, आप कैंडिडेट ही कह रहा है कि मेरा किडनैपिंग नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों ऐसे आप कैसे इतना दबाव बनाया गया है? अगर अगर किडनैपिंग हुआ है तो आपने पुलिस में फरियाद क्यों नहीं? हमने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात सरकार के, उनसे ADGP लॉ एंड ऑर्डर, उनसे रिटर्निंग ऑफिसर सूरत ईस्ट, उनसे सबसे मुलाकात करी है। सबको मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे ज्ञापन देकर अपनी बात समझाई है। यहां तक कि इस बिल्डिंग में उनको कैसे लाया गया, जबरन उनका कॉलर पकड़कर धक्के मारते हुए उनको ले जाया गया, वो सारे वीडियो भी हमने आज आरओ साहब को सौंपे हैं, दिखाए हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो अशोका रोड दिल्ली में बैठते हैं, उनसे तक बात करी है, उनसे तक मीटिंग कर उन्हें भी ज्ञापन दिया है और गुहार लगाई है कि चुनाव फ्री एंड फेयर कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं, किसी भी प्रत्याशी का अपहरण ना हो और दबाव में किसी का भी नामांकन रद्द ना किया जाए, ये हमने अपील उनसे करी। सर, आपका ये नामांकन अगर एग्री हो जाएगा तो ये प्रत्याशी अगर उनका नामांकन हो जाएगा अप्रूव, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी तो आम आदमी पार्टी और ये प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के गुंडे उनका नामांकन इसलिए वापस कराना चाहते हैं क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डरती। आधे आम आदमी पार्टी ना पूर्व विधानसभा ना एक उम्मेदवारे
પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચ્યું તે અનુસંધાને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર પાયાવિહોણા, તચ્છહીન અને જે નિમ્ન કક્ષાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા એનો જવાબ આપવા માટે આજે આપ સૌને નિમંત્રિત કર્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના જે ઉમેદવાર હતા તે કંચન ઝરીવાળા, એમણે પોતે જણાવ્યું છે, મેં એક ન્યૂઝ પેપરની જે બ્રેકિંગ ન્યૂઝના વિડીયો આવે તે વિડીયો જોયા છે, તેના દ્વારા અમને જાણવા મળ્યું છે કે ચૂંટણી અધિકારી રિટર્નિંગ ઓફિસર પાસે તે બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે મેં મારી રાજીખુશીથી કોઈ પણના દબાણમાં આવ્યા વગર હું ઉમેદવારી પત્ર પાછો ખેંચું છું. પત્રક ચૂંટણી અધિકારી એમને એક બે વખત પૂછે છે કે શું તમે રાજીખુશીથી આ ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચો છો, શું તમારા ઉપર કોઈનું દાબ દબાણ છે, ત્યારે સ્પષ્ટપણે કંચનભાઈ ઝરીવાળા એનો જવાબ આપે છે. તે આપ સૌએ પણ જોયું હશે. જ્યારે ચૂંટણી અધિકારીની કેબિનની અંદર આ પ્રક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે એમની ઓફિસ સ્ટાફ સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ ત્યાં હાજર નથી તેવું સ્પષ્ટ વિડીયોમાં દેખાય છે. નથી કોઈ પોલીસના અધિકારીઓ, નથી કોઈ અન્ય બીજી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કે કોઈ નથી હોતું. ત્યારે કંચનલાલ ઝરીવાળા ચૂંટણી અધિકારીને વારંવાર પૂછવાથી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે આ ઉમેદવારી પત્ર મેં રાજીખુશીથી પાછું ખેંચ્યું છે, કોઈના દાબ દબાણ વગર પાછું ખેંચ્યું છે. ત્યાર પછી દિલ્હીની અંદર જે ડ્રામા થયો, દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનોજ સિસોદિયાજી જ્યાં ધરણા ઉપર બેઠા, ઈશુદાન ગઢવીએ અહીંયા જે ટ્વીટ કરી, ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કંચનભાઈ ઝરીવાળાએ વિવિધ ન્યૂઝ ચેનલોને આપેલા પોતાના ઇન્ટરવ્યુમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે અને શું જણાવ્યું છે એની વિગતવાર વાત તમને અમારા પ્રવક્તા જગદીશભાઈ પટેલ કરી છે. પરંતુ કોઈ પણ કારણ વગરના અમારું ક્યાંય ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, એમનો આંતરિક ઝઘડો છે એ બધું જ એમાં કંચનભાઈ ઝરીવાળા કહે છે. એમને કેવો ત્રાસ આપવામાં આવ્યો, એની પાસે કેટલી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી, કેવી રીતે એના વિરોધમાં એમનું સંગઠન હતું, કેવી રીતે એમની ઉમેદવારી લઈને રાજીનામાઓ પડતા હતા, એ બધો જ ખુલાસો કંચનભાઈ ઝરીવાળા કરે છે. ત્યારે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે અમારું ક્યાંય ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, અમે કોઈ વિષય જાણતા નથી, અમારે કોઈ વાતના લેવા દેવા નથી. એવી બાબતમાં રાજકીય રોટલો શેકવા ખાતર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઉપર આક્ષેપો કર્યા, એ આક્ષેપોને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડે કાઢીએ છીએ. અને આ નિમ્ન કક્ષાની રાજનીતિ જે આમ આદમી પાર્ટી કરી રહી છે એમને પણ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ. જગદીશભાઈ,